व्हाट्सअप दोस्तों, और कैसे हो आप सबके सब। तो दोस्तों यार, आज के अब ब्रांड न्यू वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं स्नोवेल कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि यार मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि यार OB25 अपडेट में यार स्नोवेल कैरेक्टर आने वाली है, जो कि यार एक फीमेल कैरेक्टर है। तो दोस्तों यार आप लोगों ने मुझे बोला था कि यार जो इसकी यार क्या एबिलिटी होने वाली है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो दोस्तों यार आज की वीडियो में लेकर आ चुका हूँ, जहाँ पर दोस्तों यार आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्नोवेल कैरेक्टर की यार एबिलिटी क्या होने वाली है, इसकी फुल एबिलिटी के बारे में बताऊंगा। और साथ में दोस्तों यार हम ये भी बात करेंगे क्या इसके आने के बाद यार डीजे आलोक को क्या ये रिप्लेस कर पाती है। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि यार जो हमारा के कैरेक्टर है, क्या उस पर यार कुछ फर्क पड़ने वाले हैं यहाँ पे इसके आने के बाद। तो दोस्तों यार इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि यार इस वीडियो में बहुत ज्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। तो दोस्तों अगर आपको यार ये वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा भी अपने काम का लगे यार, तो इस वीडियो को यार लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि यार फ्री फायर से रिलेटेड नई नई वीडियो यार इसी चैनल पर आते रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना कोई देर के हुए। तो दोस्तों यार बात करते हैं यहाँ पे स्नोवेल कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों आप जैसे कि जानते हो कि यार जो स्नोवेल कैरेक्टर है वो यार एक फीमेल कैरेक्टर है और एक यार लैब टेक्नीशियन है। और अगर हम इसकी यार एबिलिटी के बारे में बात करें, तो यार इसकी एबिलिटी का नाम है नैनो नर्व्स रखा गया फ्री फायर की तरफ से। और दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि यार नैनो नर्व्स करता क्या, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जब भी आप किसी भी एनिमी से अगर फाइट करते हो यहाँ पे फ्री फायर में, तो दोस्तों यार उस सामने वाली जो एनिमी होगी वो यार उसका यार वहाँ पे जितने भी यार उसने यार कैरेक्टर के यहाँ पे स्किल्स यूज किए होंगे अपने यार स्किल्स स्लॉट में, वो यार यहाँ पे डिसेबल कर दिया जाएंगे अगर आप यार इस कैरेक्टर की एबिलिटी का यहाँ पे यूज करते हो। और दोस्तों यार जो ईपी से एचपी में कन्वर्ट करने वाली जो यार पावर होगी यहाँ पे, वो भी यार खत्म कर दी जाएगी यहाँ पे। लेकिन यार ये जो ईपी से एचपी वाला यार जो पावर होगा, ये सिर्फ और सिर्फ यार कुछ सेकंड्स के लिए यार यार यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा यहाँ पे। और दोस्तों आप जैसे कि जानते हो कि यार जितने भी यार प्रो प्लेयर्स होते हैं, उनको यार जब भी यार यहाँ पे हेल्थ की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे इमीडिएट हेल्थ की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, तो यार वो यहाँ पे मेडिकेट का यहाँ पे यूज नहीं करते, वो यार वहाँ पे यार यूज करते हैं यहाँ पे हीलर का। लेकिन यार यहाँ पे जब यार हीलर यहाँ पे यूज करेंगे, तो यार दोस्तों उनके यार यहाँ पे ईपी से एचपी में कन्वर्ट करने वाली जो एबिलिटी होगी वो तो यार यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो यार यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे चांसेस है अगर आप ये इस एबिलिटी का यूज करते हो, तो दोस्तों यार आप आसानी से यार एनिमी का को यार यहाँ पे किल कर पाओगे। और दोस्तों यार जैसे कि आपने यार इसकी एबिलिटी को सुनी लिया है, तो यार मेरे ख्याल से यार इसकी एबिलिटी यार मेरे नजर में ओपी है यहाँ पे। और दोस्तों आप बताओ कि यार इसकी एबिलिटी ओपी है या फिर नहीं है। और दोस्तों यार बात करते हैं यहाँ पे कुछ फ्यूचर चेंजेस के बारे में कि यार कुछ ऐसे यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं कि यार जब भी यार ये स्नोवेल कैरेक्टर है फ्री फायर में ऑफिशियली, तो क्या यहाँ पे डीजे आलोक को यार क्या ये रिप्लेस कर सकता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यार यहाँ पे प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि यार वो किसे ज्यादा पसंद करेंगे, स्नोवेल कैरेक्टर को या फिर यार वो डीजे आलोक के कैरेक्टर को यहाँ पे पसंद करेंगे, यहाँ पे उसकी एबिलिटी को पसंद करेंगे। तो दोस्तों यार ये प्लेयर्स के ऊपर यार यहाँ पे डिपेंड करता है यहाँ पे। और मेरे ख्याल से यार यहाँ पे जो डीजे आलोक की एबिलिटी है वो यार यहाँ पे स्नोवेल के कंपेरिजन में मुझे थोड़ी यार यहाँ पे कम लग रही है, यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे फीकी लग रही है। लेकिन यहाँ पे यार जो स्नोवेल कैरेक्टर है वो मुझे बहुत ज्यादा ओपी लग रही है। तो यार हो सकता है कि आगे चल के कि यार जो स्नोवेल कैरेक्टर वो यार यहाँ पे ज्यादा यूज हो यहाँ पे डीजे आलोक के कंपेरिजन में। लेकिन जो डीजे आलोक का यार जो यहाँ पे फुल रिप्लेसमेंट जो होने का चांसेस वो एकदम ना के बराबर है, क्योंकि यार यहाँ पे हो सकता है कि नए कैरेक्टर के आने के बाद यहाँ पे यार जो आलोक की एबिलिटी वो यार यहाँ पे कम यूज की जाए। लेकिन यार इसकी एबिलिटी जरूर से जरूर यूज होगी। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे कि यार जो हमारा के कैरेक्टर उस पर यार यहाँ पे क्या होने वाला उसके साथ, तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो के कैरेक्टर है यार उसके साथ कुछ नहीं होने वाला, बस यार यही होगा कि यार उसे एक अच्छे यहाँ पे टक्कर मिलने वाले स्नोवेल कैरेक्टर की तरफ से। तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आपको यार अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो उससे अगर आपको यार लगा हो यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव, आपको थोड़ा सा भी यार ये वीडियो काम का लगा हो, तो यार इस वीडियो को लाइक करिए बना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब किए भी मत जाना। तो चलिए मिलते अगली वीडियो में, तब तक देख के लिए दोस्तों बाय बाय।